Hey, hello guys, welcome to the second episode of Home Quarantine. जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस के वजह से पूरे देश और दुनिया भर में जो हालत हो चुकी है, जितनी जाने जा रही है, which is really very sad. This is really not the fact that we can deny at this moment at least. आजकल आप लोग टीवी पे, न्यूज पे या जो भी सोशल मीडिया आप यूज करो, वहाँ पे देखते हो कि कोरोना वायरस को पेंडेमिक कहा गया है. What this pandemic means? Pandemic is basically an epidemic disease which has spread over a large region, for example, continent or worldwide. पेंडेमिक का जो हिंदी मीनिंग है डेट इज महामारी. किसी भी बीमारी को महामारी तब कहा जाता है जब वो किसी छोटे से जगह में सीमित ना रहकर पूरी दुनिया भर में फैल जाता है और दुनिया भर में उसके वजह से हानि पहुंचती है, लोग मरते हैं और बहुत कुछ होता है जो रिस्क पे होता है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही वही ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी बीमारी को महामारी है या नहीं ये बताती है. और मैं आपको बता दूं, कोरोना वायरस एक अकेली ऐसी महामारी नहीं है जिसके वजह से पूरी दुनिया में इतना तहलका मचा हुआ है, इतनी जाने गई. इससे पहले भी ऐसी कितनी महामारियां आ चुकी है जिसकी वजह से दुनिया में नाश हो चुका है, लगभग आधी दुनिया की आबादी खत्म हो चुकी थी एक टाइम पे. ऐसे ऐसे भी वायरसेस हुए हैं, द डेडलीस्ट वायरसेस ऑन अर्थ. सबसे पहले नंबर पे है द प्लाग, विच इज ऑल्सो नोन एज द ब्लैक डेथ. 1331 से 1353 में आई इस महामारी के वजह से पूरे दुनिया भर में 7 से 20 करोड़ लोग मारे गए. 800 साल बाद जब ये यूरोप लौटी तो मात्र 6 साल के अंदर 3 से 4 करोड़ लोगों की मौत हुई. और फिर लगभग 2 से 5 साल बाद लगातार ये यूरोप में होता रहा और इससे कई लोगों की जान उस समय जाती रही. फिर 1665 से 1666 में आई द प्लाग ऑफ लंदन, जिसमें 20% ऑफ लंदन इफेक्टेड हुआ. लगभग 20% लंदन के जो लोग थे उसमें मारे गए. दूसरे नंबर पे है 1918 से 1920 में आई स्पेनिश फ्लू. इस महामारी की वजह से पूरी दुनिया भर में लगभग 50 करोड़ लोग संक्रमित हुए, इसमें से 5 से 10 करोड़ लोगों की मौत हो गई. इस महामारी की खासियत ये थी कि इसमें या तो वो लोग ज्यादा मरते थे जो ज्यादा यंग थे, या तो वो लोग मरते थे जो ज्यादा बूढ़े थे, एजेड थे. जो यंग और एजेड के बीच में जो लोग ज्यादा नहीं मर रहे थे, आइदर वो लोग मर रहे थे जो ज्यादा यंग थे या वो लोग मर रहे थे जो एजेड थे. वर्ल्ड वॉर वन के पहले 25 हफ्ते में जितने लोग नहीं मरे थे उससे ज्यादा लोग स्पेनिश फ्लू के वजह से मरे थे. और एचआईवी एड्स के पहले 25 साल में जितने लोग नहीं मरे थे उससे कई ज्यादा लोग स्पेनिश फ्लू में मरे थे. तो आपको दिख रहा होगा स्पेनिश फ्लू से जो तबाही मची थी वो शायद आज भी डिस्क्राइबल नहीं. तीसरे नंबर पे है 19वीं शताब्दी में आई कोलेरा. बंगाल में जब ये पहली दफा पाया गया उसके बाद 1820 में लगभग पूरी भारत में फैल गया, जिसके वजह से लगभग 2 से 10 करोड़ लोगों की जाने गई थी. 1817 से 1860 के बीच में फिर 2 करोड़ लोगों की जाने गई और ये सिलसिला मतलब फिर चलता ही रहा. फिर 1865 से 1917 के बीच में अनदर 3 करोड़ लोगों की जान गई. जब इसे महामारी का नाम दिया गया तब तक ये पूरी दुनिया भर में जैसे यूएस, यूरोप, यूके, जर्मनी, लंदन और ऐसे बहुत सारे जगहों में विदेश भर में ये फैल गया था. 1902 से 1904 के बीच में फिलीपींस में लगभग कोलेरा के वजह से 20,000 जाने गई. चौथे नंबर पे है एशियन फ्लू एंड स्वाइन फ्लू. एशियन फ्लू जो कि एक H2N2 वायरस है, चाइना में यह पहली दफा पाया गया 1957 से 1958 के बीच. जो ग्लोबली आंकड़ा था इससे मरने वालों की संख्या वो थी लगभग 2 करोड़. स्वाइन फ्लू जो कि एक H1N1 वायरस है, स्वाइन फ्लू था बेसिकली, वो 2009 में मेक्सिको में पाया गया था. उसके बाद ये धीरे धीरे यूएस में फैलता गया. इसके वजह से जो ग्लोबल डेथ थी वो 2,84,000 डेथ थी, 2,84,000 डेथ स्वाइन फ्लू के वजह से हुई थी. अकेले यूएस में इसके वजह से 12,000 मौतें हुई थी. पांचवें नंबर पे है टाइफस, विच इज ऑल्सो नोन एज कैंप फीवर. अक्सर जितने भी महामारी रिकॉर्ड किए गए पेंडेमिक डिजीजेस हुए हैं तो उनका जो सोर्स था वो बेसिकली ऐसी जगह से था जहाँ पे लोग लिमिटेड रहते थे, छोटी जगहों पे रहते थे, जैसे जेल हो गए, शिप्स हो गए या फिर वॉर जोन्स हो गए, जहाँ पे छोटे छोटे जगह पे लोग रहते, वहां पे ऐसे जो डिजीज है, जो वायरसेस हैं, उनके पनपने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. टाइफस लगभग 16वीं शताब्दी में हुआ था ये. उस टाइम तो जैसे कि आपको पता है कॉलोनियल रूल था, वॉर जोन्स था, तो उस टाइम लगभग पूरी दुनिया भर में इसके वजह से 6 करोड़ लोगों की मौत हुई थी. और ज्यादातर जो केसेस थे वो ऐसी जगह से थे कि शिप में फैलता गया या फिर वॉर जोन में फैलता गया या जेलों में फैल गया जहां पे बंधक रखे जाते थे, तो ऐसी जगहों पे ज्यादा पनपता था ये. नाजी कंसंट्रेशन कैंप 1918 से 1922 में अकेले नाजी कंसंट्रेशन कैंप में 4 करोड़ लोगों की मौत हुई टाइफस के वजह से, क्योंकि आपको पता है वहां पे जो जगह थी वो संक्रमित थी और बहुत ही छोटा सा जगह हुआ करता था जिसमें बहुत सारे लोगों को रखा जाता था, तो ये चीजें जो है ऐसी फैलती थी. छठे नंबर पे है स्मॉल पॉक्स यानी चेचक. स्मॉल पॉक्स जो है वो वेरियोला वायरस से होता है. एक टाइम पे आपको पता है कि इंडिया में भी जो ये महामारी थी, भारत में भी इसने बहुत बहुत ही ज्यादा तबाही मचाई थी. लगभग छोटे छोटे बच्चों को ज्यादा ही हुआ करता था. 18वीं शताब्दी खत्म होने तक यूरोप में अकेले इसके वजह से
लगभग 4 लाख लोग हर साल मरा करते थे। अभी भी जो एस्टिमेटेड जो डेथ्स हुई है इसके वजह से ग्लोबली लगभग 30 से 40 करोड़ लोग पूरे दुनिया भर में से संक्रमित हुए थे और मरे थे इसके वजह से। 1950 से पहले लगभग 5 करोड़ केसेस हर साल दर्ज होते थे स्मॉल पॉक्स के पूरे दुनिया भर में। एंड फाइनली दिसंबर 1969 में यानी 1979 में WHO ने कम्प्लीटली ऑफिशियल तरीके पे कहा था कि इसकी इरेडिकेशन स्मॉल पॉक्स की अब हो चुकी है, क्योंकि तब तक इसका वैक्सीनेशन हो चुका था। इसकी वैक्सीन लगभग हर देश में अब उपलब्ध है। 7वें नंबर पे है HIV। इट इज स्टिल द मोस्ट डेडलीस्ट वायरसेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। जब से ऑब्जर्व हुआ उसके बाद से लगभग 3 करोड़ लोगों की मौत हो चुकी है ग्लोबली। जो साइंटिस्ट है वो अभी भी यही कहते हैं कि अब तक का ऐसा वायरस है जो स्टिल ह्यूमन काइंड और ह्यूमन नेचर पे और जो मानव जाति पे अभी भी बहुत गहरा असर डाल सकता है अगर ये पूरी तरह से पनप जाए। और ऐसे ही बहुत सारे मॉडर्न वर्ल्ड वायरसेस हैं, जैसे इबोला, रेबीज, मार्बर्ग वायरस, हेंटा वायरस, रोटा वायरस, SARS-CoV-2 जिसको हम कोरोना वायरस कहते हैं, और MERS-CoV। ये सब कुछ मॉडर्न वर्ल्ड वायरसेस हैं जो अभी 19 सेंचुरी के बाद होते हैं या हो सकते हैं। जितने भी पेंडेमिक डिजीज के मैंने अभी तक नाम बताए आपको, उसमें से अकेला एक स्मॉल पॉक्स ही है जिसको ऑफिशियल तौर पे इरेडिकेशन नोटिस मिल चुकी है, जो WHO ने जारी किया था 1979 दिसंबर। जाते जाते मैं एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूंगा कि जितने भी पेंडेमिक वायरसेस अब तक हुए हैं वो या तो कंजेस्टेड जगह से, कुछ ऐसी जगह से निकले थे जहाँ पे छोट जगह कम थी लेकिन लोगों का जमावड़ा ज्यादा था, तो ऐसी जगह पे बहुत तेजी से फैलता है। अब तक जितने वायरसेस हैं वो देखा गया है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि हम कहीं भी जाएं तो वहाँ पे भीड़ कम रखें, क्योंकि वायरसेस कब कौन सी कैसी वायरस बन सकती है, पनप सकती है, कोई नहीं जानता। नए नाम से आ सकते हैं लेकिन कारण सिम्टम्स वही हो सकते हैं कि भीड़ में फैल सकती है या फिर आप हाइजीन नहीं रहोगे तो शायद उस वजह से फैल सकती है। जो पेंडेमिक डिजीजेस होते हैं वो किसी कंट्री का स्टेटस या कंट्री की गरीबी और कंट्री की साफ सफाई देख के नहीं होता है, कहीं भी हो सकता है। कोरोना वायरस के बाद अब लोगों ने मास्क पहनना सीख लिया, तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि महामारी हमें आके सिखाए कि आप मास्क पहनिए, हाथ धोना सीखिए, कहीं जाए तो छींके तो हाँ मुंह पे हाथ रखे, तो ये महामारी आने से पहले भी हम कर सकते हैं। तो ये ऐसी जंग है जो हमें घर पे रह के जीतनी है। पहली दफा ऐसा कोई जंग होगा जिसमें हम घर पे रह के इसकी जीत हासिल करेंगे। तो आपसे बस यही उम्मीद है कि स्टे होम, स्टे सेफ, डोंट गो आउट एनीवेयर एल्स जब तक ये बिल्कुल नेसेसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी ना हो तो ना जाए, घर पे रहे। दिस इज टिपू साइकिया साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ होम क्वारंटाइन। टिल देन चाओ।